बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ऑरेंज केक की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत मज़े का भी बनता है। और आज ये केक हम बग़ैर अवन के यानी कि पतीले में बेक करेंगे। आप पतीले में भी बिल्कुल बाजार जैसा केक घर में बेक कर सकते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1/2 कप प्लस 2 टेबलस्पून, पिसी हुई चीनी 1/3 कप, ऑयल 1/4 कप, ऑरेंज जूस 1/4 कप, दूध 1/4 कप, अंडा 1 बड़े साइज़ का, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑरेंज जेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 1/8 टीस्पून और वनीला एसेंस चाहिए 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम यहाँ पे पतीले को प्री हीट करेंगे। उसके लिए आप पतीले में कोई भी प्लेट या स्टैंड रख के इसको कवर करके रखते मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। यहाँ मैंने केक मोल्ड भी पहले से ही रेडी करके रख लिया है। आप किसी भी शेप का केक मोल्ड ले और उसमें ब्रश की मदद से ऑयल लगाने के बाद अच्छे से मैदा डस्ट कर ले, तो हमारा केक मोल्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। उसके लिए एक बाउल में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रख लूँगी। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें ऐड कर दूँगी मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हैंड विस्क की मदद से मिक्स करके एक साइड पे रख लूँगी। केक बनाने से पहले आप ये 3 काम करके रख लिया करें। एक तो पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया करें, और दूसरा जो है वो केक मोल्ड रेडी कर ले, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स करके एक साइड पे रख लिया करें। इससे आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। अब यहाँ पर मैं 1/4 कप ऑरेंज जूस में 1/4 कप ही दूध ऐड करूँगी। दोनों चीज़ें जो है वो आपने रूम टेम्परेचर पे ही लेनी है, और इनको पहले से ही मिक्स करके एक साइड पे रख दूँगी। यहाँ मैं एक बाउल लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी 1 भरे साइज़ का अंडा। जब भी आप केक बनाने के लिए अंडों को यूज़ करें तो वो रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए। और अब इसे हैंड विस्क की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए इतना बीट करूँगी कि अंडों का जो कलर है वो लाइट हो जाए। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसकी मदद से भी अंडों को बीट कर सकते हैं। 2 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि अंडे का कलर काफ़ी हद तक लाइट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पाउडर शुगर। पाउडर शुगर आपने कभी भी एक साथ ही इसमें ऐड नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करके आप इसमें डालते जाए और हैंड विस्क की मदद से बीट करते जाए। यहाँ हम इतना बीट करेंगे कि चीनी जो है वो अंडे में अच्छे से मिक्स हो जाए। केक बनाने के लिए हम पाउडर शुगर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसे बीट करना आसान होता है। अब यहाँ पे मुझे बीट करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ऑयल 1/4 कप। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैं हैंड विस्क की मदद से इसे 1 मिनट के लिए और बीट करूँगी। 1 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि केक का मिक्सचर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी ऑरेंज जेस्ट 1 टेबलस्पून, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, और इसे फिर से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। इस केक में मैं कोई भी ऑरेंज एसेंस या ऑरेंज फूड कलर ऐड नहीं करूंगी। और यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ऑरेंज जूस और दूध वाला मिक्सचर, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें ऐड कर दूंगी तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। थोड़े थोड़े करके आपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करते जाना है, और स्पैचुला या हैंड विस्क की मदद से इसे फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और इसमें कोई भी गुठली वगैरह बनी नज़र नहीं आ रही। और आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी है, और ना ही ये बैटर ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, हमें इतना ही चाहिए था। अब यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूँगी केक मोल्ड में। केक मोल्ड जो है वो मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था।
तमाम बैटर जो है वो आपने केक मोल्ड में ऐड कर देना है। और अब मैं इसे अच्छे से टैप टैप कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी बबल्स वगैरह ना बने रहे। यहाँ पे केक का सांचा रेडी हो चुका है, अब हम इसे पतीले में रखेंगे। पतीले को भी 15 मिनट हो चुके थे, ये अच्छे से प्री हीट हो चुका है। इसमें मैं रख दूँगी केक का सांचा और उसके कवर कर दूँगी। यहाँ पे हमने केक को 40 से 45 मिनट के लिए बेक करना है। पहले 5 मिनट मैं इसे मीडियम फ्लेम पे रखूँगी और उसके बाद इसे लो फ्लेम पे कर दूँगी। केक को बेक करते हुए जब 30 मिनट हो जाए तो आप इसे एक मरतबा चेक कर लीजिएगा कि केक रेडी हुआ है या नहीं। अगर केक रेडी ना हुआ हो तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके रख दें। यहाँ मैंने भी 30 मिनट के बाद चेक किया था, मुझे केक थोड़ा कच्चा लगा था तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख दिया। अब यहाँ पे टोटल 40 मिनट के बाद मैं केक को चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि छुरी जो है वो अच्छे से साफ़ है, इसका मतलब है केक जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और केक को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे केक जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। जब अच्छे से केक ठंडा हो जाए तो आप इसकी कटिंग कर ले अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने केक की कटिंग कर ली है और दोबारा से आप इसको चेक कर सकते हैं कि केक जो है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और यमी बना है। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आया था। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। और यही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती है कि अगर जिनको हम फॉलो करें तो हमारा केक जो है वो कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।